अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, वेलकम बैक टू मायामी क्रिएशंस। मेरा नाम है इकरा। आज का जो है मूड भी बहुत अच्छा है, मौसम भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आज हम फैमिली के साथ हमने प्लान किया है आउटिंग। तो हम लोग बाहर डिनर करने वाले हैं अपनी फैमिली के साथ और हम सब रेडी हो गए। ऐना भी आ गई है, ऑलमोस्ट सब रेडी हो चुके हैं, बस हम निकलेंगे अब जल्दी से। टाइम का काफ़ी हो चुका है तो वहीं जाके आपसे मिलते हैं। निकलने से पहले मेरी मामा प्लांट्स को दे रही हैं पानी, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम निकलेंगे। हमें ख्याल आया कि हमारे घर पप्पो का घर भी रास्ते में आता है, तो सबसे पहले जाएंगे उनसे मिलेंगे। उनको हमने कॉल की कि हम आ रहे हैं, तो अब हम पहले सबसे पहले उनकी तरफ जाएंगे। जैसे ही हम लोग पहुँचे, उन्होंने हमारे लिए पिज़्ज़ाज़ ऑर्डर किए हुए थे, बहुत ही मज़े के। अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड हुआ और हम लोगों ने अच्छी सी बहुत सारी बातें की एक दूसरे से, बहुत मज़ा आया। और बाद में उन्होंने हमें सर्व की ठंडी ठंडी आइसक्रीम। मेरी पप्पो के बच्चे बहुत लविंग हैं हिबा इब्राहिम की, इनके साथ एक अपनी ही अच्छी बॉन्डिंग है। तो माय यूट्यूब फैमिली, हम लोग पहुंच चुके हैं द मिंट रूम इंडियन डाइनिंग। ये हलाल रेस्टोरेंट है। तो यहाँ आने से पहले हम लोग अभी पप्पो की तरफ गए थे और वहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद हम लोग आए हैं सीधा यहाँ पर, और यहाँ पर डाइनिंग करेंगे और अच्छा सा डिनर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे वीडियो। आए चलते हैं अंदर। इनका इंडोर एम्बियंस इनका इतना सूथिंग है, और फैमिली डाइन आउट के लिए ये बेस्ट जगह है। इनके स्पाइसेस के हिसाब से मैं कहूँगी ये हाईली रिकमेंडेड रेस्टोरेंट है। तो ये है इनका मेन्यू कार्ड। तो हम लोग ऑर्डर करने के लिए थोड़ा सा सब लोग सोच रहे हैं कि हमें सबको हिसाब से क्या क्या ऑर्डर करना चाहिए। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है, सब अपने अपने हिसाब से ऑर्डर देंगे। और हिबा यहाँ पर बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह इस ड्रेस में, और हिबा के लिए उनके नाना नानी की तरफ से यहाँ पर एक सरप्राइज़ था, बहुत बहुत मज़ा आया। वो है हिबा की बर्थडे का। उन्होंने हिबा की यहाँ पे सरप्राइज़ बर्थडे के लिए एक केक ऑर्डर किया हुआ था जो हमें नहीं पता था, और वहाँ जाके पता चला तो बहुत ही अच्छा लगा। इनका स्टाफ मेम्बर भी बहुत ही पोलाइट और बहुत ही कोऑपरेटिव था, इसलिए जो इनकी इस इन्वायरमेंट की एम्बियंस जो है बहुत ही अपनी अपनी आ रही थी। और यहाँ की जो फैमिलीज हैं काफ़ी ज़्यादा देसी यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर हमारा खाना आ चुका है। हमने यहाँ पर फ़िश करी सॉस और साथ में मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, कबाब्स और ग्रिल प्लेटर ये ऑर्डर किए थे, और साथ में तंदूरी एंड चीज़ी गार्लिक्स, बहुत सारी नान की वैरायटी थी। तो इनका खाना जो है ऑन पॉइंट, बहुत बहुत मज़े का। ये मैं कोई वीडियो के लिए कोई ऐसे हाईली अच्छे रिकमेंड्स नहीं करी तो, लेकिन वाकई में नो डाउट बहुत अच्छा इनकी चॉइसेस है स्पाइसेस की, जो कि टेस्ट बर्ड्स को बहुत सेटिस्फाई करती है। तो आज कोई हिबा की बर्थडे नहीं है, लेकिन उसकी बर्थडे मैं स्विट्जरलैंड में सेलिब्रेट कर चुकी हूँ। तो ये उनके नाना नानी के साथ उनका प्यार हिबा के लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू हिबा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हिबा, हैप्पी बर्थडे। तो मेरे पेरेंट्स जो है कैमरे के सामने इतना नहीं आना चाहते, तो बस मैं उनको एक ऐसा से सबको केक खिला रही हूँ। इन प्यार भरे खुशी के लम्हात को अगर हम अपने लोगों के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। इनको किसी बहाने या किसी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती। तो माशाल्लाह से बहुत टाइम गुजरा, सबने बहुत इंजॉय किया, और अब जो लेफ्ट ओवर खाना है वो भी हम साथ पैक करवा लेंगे और चलते हैं घर। अब हो गया टाइम वापस आने का। खाना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड हुआ फैमिली के साथ, और नाना नानी का जो सरप्राइज़ था वो भी बहुत अच्छा था। अब चलते हैं घर। तो अब नेक्स्ट डे जो है बच्चे, अच्छा सा शाम के टाइम, बड़ा प्यारा मौसम हुआ है, और हिबा और ऐना जो कि माहम की बेटी है और इब्राहिम अपना फ़न कर रहे हैं, यहाँ पे बबल्स इंजॉय कर रहे हैं। और ऐना जो है उसको इतनी अच्छी कंपनी मिली हुई है हिबा इब्राहिम की, और हिबा इब्राहिम को बहुत अच्छी कंपनी मिली हुई है ऐना की। तो माशाल्लाह से बच्चे तो बहुत खुश हुए हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जा रहे हैं डेविन वेस्टर्न इंडोर प्ले एरिया फॉर किड्स। नजर आ रहा यहाँ पे नजर आया।
बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। तो यहाँ हम आ चुके हैं, इंडोर प्ले एरिया बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है, तो घर के पास है तो हमने सोचा कि आज शाम को वहीं पे चलते हैं बच्चों को लेके। ओसामा यहाँ पे स्टार्ट में ही कार्ड पाई कर रहा है, यहाँ से हम कार्ड पाई करेंगे, उसके बाद हम गेम्स खेलेंगे, उसके बाद जितने पॉइंट्स कलेक्ट होंगे तो उसके बाद में लास्ट में हम कोई भी चीज़ पिक कर सकते हैं टॉय एरिया से। इस चीज़ से अगर पास से मैं गुजर रही हूँ, यहाँ पर डिफरेंट फेमस सेलिब्रिटीज़ और प्लेयर्स के सिग्नेचर्स हैं, आप उनको बाय कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। चलिए जी, गेमिंग सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से बहुत सारी गेम्स हैं जो ये लोग खेलने वाले हैं अपने मामों के साथ, और यहाँ का टाइम का पता भी नहीं चलता। आज बल्कि रश नहीं था, नॉर्मली यहाँ पे काफ़ी रश होता है, शायद वीक डेज हैं इसलिए यहाँ पे रश नहीं है। यहाँ पर इब्राहिम को एक उसका पार्टनर यानी कि कोई फ्रेंड मिल गया, और इब्राहिम ने यहाँ पे उसके साथ काफ़ी ज़्यादा गेम्स खेली तो अच्छा है। इस तरह की गेमिंग टेक्चर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसे आपकी फ़िज़िकली नहीं माइंड गेम्स भी चलती हैं और बच्चे बहुत कुछ लर्न करते हैं, तो अच्छा है इन्वायरमेंट। और आप कभी बच्चों को अपने इंडोर इस तरह से प्ले एरियाज़ में लेके जाएं और बहुत अच्छी फीलिंग आती है ख़ुद भी और बच्चों के साथ भी। अब इस तरह से ये जो गेम है, यहाँ पर बॉल्स कलेक्ट करनी है और साथ में इन जोकर्स को हिट करना है, जितने जोकर्स हिट करेंगे इस टाइम मिनिमम टाइम के अंदर तो पॉइंट्स बनते जाएंगे। या मैंने भी कुछ काफ़ी कुछ ट्राई किया लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, क्योंकि ये आपकी लक है कि आपके साथ यहाँ पर कैसी कैसी गेम्स में कैसे 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 पॉइंट्स बनते हैं। और इब्राहिम भी अपन बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी गेम्स को एंजॉय कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट, और इसको जो है इस तरह की बॉक्सिंग और इस तरह की इस वे में गेम्स बहुत पसंद हैं। यूजली लड़कों को इस तरह की गेम्स ही पसंद होती हैं। और यहाँ पर मैं डिफरेंट प्लेयर्स और इधर इन्वायरमेंट की बनाई थी कि बहुत अच्छा यहाँ पर जो है एक गेमिंग टेक्सचर्स, किस तरह से लोग गेम खेल रहे हैं साथ साथ, वो भी मैं बनाती जा रही हूँ वीडियो, ताकि इब्राहिम भी यहाँ पर अपना फ़न कर रहा है। ये तो बिल्कुल बेकार है, इस तरह की गेम पे तो सिर्फ पैसे वेस्ट होते हैं क्योंकि कुछ भी आता नहीं है। और यहाँ पर एक और है, मैं देखी थी डक्स जो है बॉल्स अपने मुँह के अंदर लेंगी और जितने ज़्यादा डक्स लेंगी वो विनर हो जाएगा। अब आ चुके हैं हम लास्ट में, जहाँ पर पॉइंट्स जो वो हमारे बन चुके हैं, उसमें आपको यहाँ पर डिफरेंट तरह के सॉफ्ट टॉयज़ और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायसेस बहुत कुछ पड़ा हुआ है, तो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर उन्होंने प्राइसेस लगा दी हैं, कुछ भी आप पिक कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर 700 पॉइंट्स में जो चीज़ मिलेगी वो एयरबड्स हैं, यहाँ पर ये सॉफ्ट टॉयज़ हैं। 1200 पॉइंट्स में ये बहुत ही ज़्यादा हैवी गिफ्ट भी मिलेंगे अगर ज़्यादा पॉइंट्स बनेंगे, 2000 पॉइंट्स, 3000 पॉइंट्स, उसमें ज़्यादा ज़्यादा अच्छा गिफ्ट मिलेगा। हम आए हैं नाज हलाल, ये हमारा फ़र्स्ट ट्राई है इस जायरो में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था जायरो यानी कि चिकन ओवर राइस खाने का, तो फिर अबकर सामान्य का चले चलते हैं घर के पास ही इस चिकन ओवर राइस जायरो एंजॉय करने के लिए। और यहाँ पे बहुत रश था, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, टेक अवे भी है, और इसका एम्बियंस बहुत अच्छा था। डिफरेंट क्विजींस ट्राई करने का एक अपना ही अलग एक्सपीरियंस है। ये इनके डिज़र्ट्स रखे हुए हैं और यहाँ पर जो है सामान ऑर्डर कर रहा है, उसके बाद हम लोग इन्जॉय करेंगे फूड। तो यहाँ पे अब किसी से वेट नहीं हो रहा, हमारा खाना आ चुका है, हम लोग यहीं पे इंजॉय करेंगे। तो मैं आपको बताती चलती हूँ कि इसमें हमने क्या क्या ऑर्डर किया है। मेन्यू चिकन विद राइस और साथ में है चिकन विंग्स, मोज़रेला स्टिक्स, बर्गर और यहाँ पे रैप, और अभी एक और आ रहा है कॉम्बो, और ये है कॉम्बो यानी कि चिकन एंड बीफ विद राइस। तो खाने के बाद हो जाए थोड़ा सा मीठा वो खा के, अब जाके घर। तो घर आकर हम लोगों ने खेली लूडो फैमिली के साथ। अब हो चुके नेक्स्ट डे मॉर्निंग से मैंने ले रही हूँ अपना फेवरेट सैंडविच और साथ में है चाय।
तो नाश्ते के बाद मैं आ गई बाहर। यहाँ मैं बाहर फ्रेश एयर में बैठी हुई थी तो मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे कुछ वर्कर एक काम करने के लिए आए हैं। उसकी यहाँ पे एक्सपर्टीज चेक करें कि उसने स्टेयर रखी और हम तो डर ही जाएंगे इतना ऊपर हम चढ़ेंगे कैसे। ही विल डेफिनेटली बी एक्सपर्ट मैन। तो वो ऊपर चढ़ के इधर उधर लाइक स्लाइड के ऊपर भी उसकी जो रूफ़ है उसके साइड पे स्लाइडिंग है तो आराम से चल रहा है और अपना काम कर रहा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी कुछ वो काम कर रहा है तो वो नीचे बैठ गया है। आप इसका चलना देखें, ये देखें आप कैसे वो स्लिपरी साइड पे उसका आराम से खड़ा है बिना किसी सपोर्ट के। शायद कुछ रेनोवेशन के लिए आया हुआ है तो वो ऊपर पिक्चर्स ले रहा है चढ़ के। हर इंसान का काम आसान नहीं होता, इनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। हर इंसान का काम अपनी जगह पे बहुत मुश्किल होता है। अर्निंग करना अपनी फैमिली के लिए इतना आसान नहीं है। इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और इसके साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इन मायामी क्रिएशंस। अपना रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल। बाय बाय।